अब हम बात करेंगे आज, क्योंकि हम एक सीरीज कर रहे थे कि मांगलिक और पैरासाइकोलॉजी का क्या रिलेशन है। आज हम बात करेंगे मंगल के फोर्थ पोजीशन की, जो सेकंड, पहले लगन की हमने पिछले वीडियो में की है, आप लोगों ने वो वीडियो देखा होगा। आज हम बात कर रहे हैं फोर्थ पोजीशन, दिस इज द फोर्थ पोजीशन। आई थिंक इट विल बी नाउ विजिबल, जहां मेरा अंगूठा रखा है। यू कैन चेक इन योर जन्म कुंडली व्हाट इज द मंगल पोजीशन, right? So if you are Manglik, then this video is very good to for the relationship and for the teenage problems of the child. Mangal ka yahan pe hona fourth house mein aapko purnatya Manglik banata hai as per astrology. Aur kya kya kaam karta hai? Bahut zyada short temper hota hai. Usko hamesha अपने, पहले तो जब तक शादी नहीं हुई होती तो अपने पेरेंट्स के अंदर बहुत ही ज्यादा अवगुण नजर आते हैं। उसको लगता है कि संसार में सबसे बुरे मेरे ही पेरेंट हैं। तो आप अगर पेरेंट हो तो आप देखिए आपका बच्चा आपके साथ ऐसा बिहेव तो नहीं कर रहा। और अगर आप यूथ हो, क्या आपने अपने पेरेंट के साथ ऐसा बिहेव किया था? जॉब करेगा तो बॉस पसंद नहीं आएगा, सडनली कुछ एक्सपेरिमेंट करेगा जॉब में भी, और अगर बिजनेस कर रहा है तो बिजनेस में, और वहां पे इनकम रोक देगा कि 4,000 रुपए यहां फंसे हैं, 25,000 रुपए यहां फंसे हैं, 10,000 रुपए यहां फंसे हैं, ये वाले काम होंगे। और अगर ये चाइल्ड है तो शोर टेम्पर तो होगा ही होगा, बाहर वालों का खास मित्र होगा। जितने उसके बाहर वाले दोस्त हैं बस वही उसकी दुनिया हो, और पेरेंट्स सबसे ज्यादा दूर। और ऐसे बच्चे कभी कभी कुछ ऐसी चीजों में फंस जाते हैं, जैसे चाइल्ड अब्यूजिंग, जैसे शॉर्ट टेम्परिंग। अगर आप टीनेज हैं तो ये प्रॉब्लम है, तो सोसाइटी हटा रही हो, विच इज अ क्राइम काइंड ऑफ थिंग, बट ऐसा होता है। तो अगर आप यूथ हो गए और कभी आपके साथ ऐसा हुआ है तो जरूर देखिए मंगल का प्रभाव होगा। और अगर आप टीनेज में और आपने ऐसा कुछ किया है तो भी मंगल। अब हम आते हैं कि पैरासाइकोलॉजिकली हम इसको कैसे देखते हैं। पैरासाइकोलॉजिकली ये लोग ज्यादातर या तो गामा में रहते हैं या डेल्टा में, और मूवमेंट बहुत फास्ट होता है, बहुत फ्रीक्वेंट होता है, और इसकी वजह से डिसऑर्डर में चले जाते हैं, जिस इज कॉल्ड डिल्यूजंस। इनको ये लगने लगता है जिस चीज का ये विश्वास कर रहे हैं वही सत्य है, वही फाइनल है, और सब कुछ फेलियर है। तो अगर ऐसा हो रहा है आपके चाइल्ड में, ऐसा हो रहा है आपके रिलेशनशिप में, रिलेशनशिप में मैंने बताया ना कि ये पहले पेरेंट्स को परेशान करेगा, जब शादी हो जाएगी तो बोलेगा वाइफ मेरी ठीक है यार, और अगर लड़की है तो बोलेगी हस्बैंड ठीक है बट उसके पेरेंट बहुत खराब, और वो बार बार उन्हीं को याद करता रहेगा या करती रहेगी, और रिजल्ट बहुत ज्यादा स्ट्रेस और टेंशन। ऐसे बच्चों की या ऐसे लोगों की जो मदर तो होती है या तो उनसे बिल्कुल नहीं बनती, पेरेंटल में स्पेसिफिकली मदर, हो सकता है फादर से फिर भी थोड़ी बहुत हेलो आए, मदर से तो बिल्कुल नहीं होती। दूसरा, या इनकी मदर भी कई बार छोटे होते या अर्ली में चली जाती है, तो वो भी एक डिप्रेसिव मोमेंट से कैरी करते हैं। और अगर आप ऐसा कुछ देख रहे हैं अपने बच्चे में, अपने किसी फ्रेंड्स में, तो डेफिनेटली उसके लिए ये वीडियो रामबाण है। इसके अंदर साइकोलॉजिकली क्या क्या प्रॉब्लम है जो पैरासाइकोलॉजी में यूज करेंगे, मूड स्विंग डिसऑर्डर होंगे इस बच्चे को, बड़ा होगा तो बड़े को भी होंगे, और डिल्यूजन्स प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होंगे। जो फेथ लेवल वो क्रिएट कर देगा उसी को वो फॉलो करने की कोशिश करेगा, राइट? और जो भी काम करेगा, जैसे ही हम क्या करते हैं, जब हम पब्लिकली होते हैं आर्टिफिशियल बिहेवियर यूज करते हैं,
लेकिन जैसे हम अकेले होते हैं तो हम क्या करते हैं, एक्चुअल बिहेवियर यूज करते हैं। तो ये आदमी हिडन ढंग से जो भी एक्चुअल बिहेवियर करेगा वो सोशली एक्सेप्टेबल नहीं होगा। अब मैं इसके तीन मेजर पॉइंट बताने जा रहा हूं जिससे आप जज कर सकते हैं, क्योंकि आप कह सकते हैं ना कि मैं तो एस्ट्रोलॉजर नहीं हूं, ना ही मैं साइकोलॉजिस्ट हूं, मुझे क्या मालूम कि मेरे बच्चे में क्या प्रॉब्लम है या मेरे में क्या प्रॉब्लम है। तो पहला, टीनेज, वो हर चीज में उसको इश्यू नजर आएंगे पेरेंट्स के साथ। वो छोटी उम्र में, मान लो 14 साल के करीब है, मेरे को अलग रहना, मेरे को अलग कमरा दिलवा दो, मैं बहुत परफॉर्मेंस करूंगा, मैं कमा सकता हूं, ऐसी बातें करेगा और लड़ाई करेगा मदर से, तो इतनी ज्यादा करेगा कि उनको शक्ल ही पसंद नहीं आएगी, सारी कमी मेरी मदर में। अगर उसने बोला बेटा खाना ठंडा हो जाएगा, उसमें भी उसको प्रॉब्लम है। तो अगर ऐसा हो रहा है तो प्लीज उसका ब्रेन ब्लड टेस्ट कराइए, एस्ट्रोलॉजिकली अगर आपको कराना है, और अगर आपको एस्ट्रोलॉजिकली कराना है तो डेफिनेटली एस्ट्रोलॉजर से मिलके आप उसका सोल्यूशन करा सकते हैं। अब आते हैं मैरिड लाइफ। मैरिड लाइफ पे ये जो लोग हैं, दो बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। अगर आपकी लाइफ में ऐसा हो रहा है तो जरूर आप चेक कराइए, वरना ये प्रॉब्लम बढ़ती चली जाएंगी, डिल्यूजन से। वन, पहली, ये हमेशा आपके पेरेंट्स के अगेंस्ट ही जाने की कोशिश करेगा। लड़की है तो लड़कों के, लड़का है तो लड़की, जबकि वो बिल्कुल सही होंगे बेचारे। दूसरा, ये लोग क्या करते हैं, आपने घर पे मेड रखी, ठीक है, वहां पे इनके चाल चलन में दाग लगे जाते हैं। इस तरह की हिडन चीजें जो लो लेवल है, जहां पे आप मॉनेटरी इनकम से स्ट्रांग हो किसी और से, मॉनेटरी, ये उनको दबाने की कोशिश करते हैं। आपके अंदर ऐसा हो रहा है या आप किसी को देख रहे हो रिलेशनशिप में, तो डेफिनेटली आपको उसका सोल्यूशन ढूंढ लेना चाहिए, वरना आपकी जो लाइफ है वो आगे और ज्यादा प्रॉब्लमेटिक होती जाएगी। और नाउ वी टॉक विद आर्टिफिशियल बिहेवियर। आर्टिफिशियल बिहेवियर क्या होता है कि जब भी आप पब्लिकली आप जाओगे तो ये बिल्कुल पोलाइट हो जाएगा या पोलाइट हो जाएगी, इतना पोलाइट हो जाएगा या हो जाएगी कि आपको लगेगा ये दूसरा आदमी है, वो आदमी ही नहीं है। पर्सनैलिटी डिसऑर्डर जो बोलते हैं वो नहीं है एक्चुअली इस केस में, लेकिन ऐसा पर्सनैलिटी, डिफरेंट पर्सनैलिटी क्रिएट हो जाएगी। जैसे ही आप अकेले हुए तो वो जो काम वहां कर रहा था, मान लो एक फंक्शन में आप गए हो, बहुत अच्छा फंक्शन हुआ है और इसने बहुत प्रेज किया है पब्लिकली, या लड़की ने प्रेज किया या लड़के ने प्रेज किया, आइदर ऑफ दैट, घर आते ही उसने डिफरेंट एंगल में बोलना है, वहां जितनी नेगेटिविटी है सारी वो आपको घर में गिफ्ट दे देगा या दे देगी। तो ये तीन बड़े पॉइंट अगर हैं तो मंगल पूरी तरह प्रभाव डाल रहा है और पैरासाइकोलॉजिकली आपकी ब्रेन वेव में डिसऑर्डर क्रिएट कर चुका है। मैं कहता हूं ना कि एस्ट्रोलॉजिकली जो चीजें होती हैं, ऐसा थोड़ा मंगल आके सबका गला पकड़ के उनकी पिटाई करता है, मैं हर वीडियो में बताने की कोशिश करता हूँ, वो मेंटली आपको उस लेवल पे ले आते हैं कि आपकी सोचने समझने की शक्तियां वैसी हो। अब इसका सलूशन क्या है, सलूशन बहुत सिंपल है। अगर आपके साथ पीछे जो हो चुका है, पास्ट में अगर ये सब हुआ है और आज आप उसको भूलना चाहते हैं, तो देर इज ए मेथड टू रिमूव द मेमोरीज फ्रॉम द माइंड, देर इज ए प्रॉपर थेरेपी ऑन दैट, तो आप उस पर जा सकते हैं। अगर आपको लग रहा है करंट सिचुएशन से आप निकल रहे हैं, तो डेफिनेटली यू शुड गो फॉर द थेरेपीज एंड काउंसलिंग इनटू दिस। और अगर आपको लग रहा है कि नहीं, मेरे को काउंसलर और साइकोलॉजिस्ट की बजाय एस्ट्रोलॉजर से मिलना है, तो देन आल्सो यू कैन प्लान, बट जिससे भी आप मिलें उसको इसकी नॉलेज होनी चाहिए और उसको नॉलेज को वो आपको करेक्ट करके आपके रिजल्ट को बेटर कर पाएगा। दैट इज ओनली माई रिक्वेस्ट। तो अभी हम आगे चलेंगे इस सीरीज के अंदर, अगले वीडियो में हम बात करेंगे मंगल की थर्ड पोजीशन जो सेवंथ हाउस बोलते हैं, व्हिच इज टिपिकली विद द फैमिली, जो रिलेशनशिप है उसी के ऊपर वो ज्यादा है, मैक्सिमम है परिवार के ऊपर मैक्सिमम है। तो अगले वीडियो में हम उसको एक्सप्लेन करेंगे, देखना ना भूलें। तब तक इसके बारे में कोई भी आपके क्वेश्चन हो प्लीज कमेंट बॉक्स में डालिए। बहुत बहुत धन्यवाद।